दे दो हमको, एक सेकंड पूरा बहुत ज्यादा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज है डे 3 और आज हम लोग का नैनीताल में लास्ट डे है और आज का डे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। आज हम लोग करेंगे जंगल कैंपिंग जो कि होने वाली है और साथ ही साथ में आज टाइम आ चुका है नैनीताल को अलविदा कहने का। आप सभी लोग जैसे देख रहे होंगे मेरे पीछे जस नैनी झील है, तो आज नैनी झील को अलविदा कहने का दिन आ गया है और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भीमताल। तो भीमताल में ही हम लोग सारे लोकेशन चेक करेंगे और वहीं कैंपिंग करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल हिमबेल ब्लॉग, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक की लाते रहे। तो चलिए चलते हैं कैंप पे। अभी हम लोग नैनीताल से सिर्फ मॉल रोड से नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ देखिए इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना लंबा कि ये ट्रैफिक तकरीबन 5 किलोमीटर का है और इस 5 किलोमीटर की ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। मेरे आगे भी बलिनो है और मेरे पीछे भी बलिनो, और मेरी तो बलिनो है ही है। तो आप देख सकते हैं कि बलिनो की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है हिल स्टेशन पे। जो लोग कहते हैं कि हिल्स पे बलिनो या मारुति की गाड़ियाँ लाना थोड़ा सेफ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मैंने देखा है पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा मारुति की गाड़ियाँ थी, टैक्सी में सबसे ज़्यादा मारुति की गाड़ियाँ। तो मारुति इज़ फुल्ली सेफेस्ट एंड फुल्ली प्रूव्ड कार इन द हिल स्टेशन। तो गाइस ये देखें क्या नज़ारा, क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर का। तो गाइज हिमालय व्यू पॉइंट देखने के लिए अभी हम लोग में गाड़ी रोकी है और ये है कुछ अपनी कार जो कि इन पहाड़ों में, इन वादियों में एकदम साए साए चल रही है। और आपको मैं व्यू दिखाऊं जरा, तो ये देखिए ये पहाड़ हैं, स्नो व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। अभी इस पे स्नो नहीं है लेकिन जब स्नो आ जाएगी तब से पूरा कवर हो जाएगा वाइट से। वाइट देखिए ये है पूरा व्यू नीचे का और वो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो वहाँ पे हम लोग को भी जाना है जहाँ पे ये कार जा रही है। पूरा नीचे का व्यू है, वो देखिए वो रोड है ना, वहाँ पर वो रोड पे हम लोगों को जाना है। ये आप देख सकते हैं ये है भीमताल लेक, बहुत बड़ी है, इसमें भी बोटिंग एडवेंचर सारा कुछ होता है। नैनी लेक के लगभग बराबर ही, और ये देखिए बीच में भीमताल लेक में ये रेस्टोरेंट सा कुछ बना रखा है, एक लैंड टाइप का। जब आप ये लोकेशन देखिए, हम लोग हैं रानी बाग में इस वक्त और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी फैक्ट्री जो कि जिसका प्रोडक्ट हम लोग के घर में कभी ना कभी तो रहा होगा। और ये है HMT वॉचेस लिमिटेड रानी बाग नैनीताल, HMT वॉच की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नैनीताल में रानी बाग में थी वो अब फाइनली बंद हो चुकी है। और ये देखिए ये है उसका पुराना स्ट्रक्चर और ये है पूरी फैक्ट्री, ये देखिए ये देखिए HMT वॉच फैक्ट्री रानी बाग। और अगर आप देखें तो ये देखिए HMT की वॉच ऊपर लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन। हम लोग अपने कैंपिंग साइट पर आ गए हैं, वेलकम रॉक ऑन कैफे।
ये देखिए, ये है रिवर साइड। हाँ मैगी पॉइंट है, आगे रिवर का पॉइंट भी है ना। गजब का व्यू आ रहा है। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और आप देखिए ये लोकेशन है, ये देखिए ये सामने क्या व्यू है। ये नीचे रिवर बह रही है पूरी, रिवर साइड है। ये पूरा कैफे है, इस कैफे का नाम है रॉकऑन कैफे। हम लोग आ चुके हैं ये हल्द्वानी के करीब में एक रिवर साइड कैंप टाइप का एक कैफे है, तो वहाँ के ओनर से मैं आपको मिलवाता हूँ। और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप डायरेक्ट उनसे मिले, वो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो भैया आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम संतोष है और हम यहाँ जो है हमारा रॉकऑन कैफे नाम से हमारा कैफे है। ओके। और बस सर्विस करते हैं हम। और आपको ये लोकेशन कहाँ की पड़ती है? सर ये पड़ती है हल्द्वानी से काउडदाम रेलवे स्टेशन है, इससे 3 किलोमीटर इधर की तरफ नैनीताल की रोड की तरफ। ओके। और ये रॉकऑन कैफे और लमजाला नाम से। अच्छा, ये कितने टाइमिंग क्या रहती है आपके? टाइमिंग सर हमारी रहती है सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6-8 बजे तक। ओके, सर्दियों में। ओके। और गर्मियों में 9 बजे तक रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये पूरा इनका कैफे का कुछ लोकेशन है। और ये सामने किचन एरिया है, और भैया की सर्विस भी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। ये एक इस साइड भी कैंप है। अभी रात है तो मैं आपको मॉर्निंग में पूरा व्यू दिखाऊंगा। और ये नीचे रिवर साइड है, रिवर बह रही है। गाइस हम लोगों को एक सही जगह मिल गई है। ये यहाँ पर लगा रखा, अभी रात है तो दिख नहीं रहा होगा। ये लोकेशन अपनी गाड़ी की है। ये ऊपर पूरा माउंटेन है, कि स्ट्रीट लाइट मिल गई, तो उसी के नीचे हम लोग अपना कैंपिंग कर रहे हैं। और यहाँ बच्चे लकड़ी मिल गई बेटा, चलिए रखिए। ये देखिए बॉन फायर की तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग यहाँ जंगल में लकड़ियाँ देख रही हैं। जंगल बहुत डेंजर है, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एडवेंचर के लिए डेंजर जोन में है और ठंड बहुत। तो गाइस ये अपना सेटअप हो चुका है गाड़ी का, और आप ये देख लीजिए फुल कैंपिंग सेटअप है। ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ है। अब मॉर्निंग जब होगी तो आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगा। और ये कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी सेटअप हो चुकी है कैंप के लिए, और उधर बॉन फायर का भी पूरा अरेंजमेंट कर रखा हम लोगों ने। तो चलिए अब आपको पूरा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं कि हम लोगों ने कैसे अपने कैंपिंग को सेटअप किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जला ले रहे हैं, कैंप फायर कर ले रहे हैं। कैंप फायर करने के बाद फिर हम लोग मैगी वगैरह बनाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए म्यूज़िक के साथ में, और देखते रहिए कि पूरा प्रोसेस कैसे कैसे किया गया है।
तो गाइस कैंपिंग सेटअप में रात ज़्यादा हो गई और फिर थोड़ा सा अनसेफ लगने लगा, तो हम लोगों को अचानक से रात में ही वहाँ से निकलना पड़ा। और हिल्स में यानी पहाड़ों से रात में निकलना बहुत ही रिस्की होता है। देखिए रास्ते में इतना ज़्यादा फॉग और कोहरा इतना ज़्यादा मिल गया था कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अर्जेंट में ऐसी ही वीडियो बन पाई। और अब हम लोग बस परेशान थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेल्टर मिल जाए जहाँ पर गाड़ी को रोका जाए, क्योंकि फॉग धीमे धीमे करके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी ठंड में रात में फॉगी वेदर में गाड़ी ड्राइव ना करें। हम लोगों को अर्जेंट था, इस वजह से हम लोगों को करना पड़ा। तो गाइज़ हम लोगों को एक शेल्टर मिल गया था, एक रेस्टोरेंट था जो बंद हो चुका था, उसी के सामने हम लोगों को एक लोकेशन मिल गई गाड़ी खड़ी करने की, और रात हम लोगों ने यहीं बिताई। उसके बाद सुबह निकले। तो गाइस सुबह होते ही हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, रात में जहाँ स्टे करा था रास्ते में। और अब सुबह का भी हाल देख लीजिए, कोहरे का कितना ज़्यादा गहरा असर है, कितना ज़्यादा डेंस फॉग है, फिर भी हम लोग अपने घर की तरफ के लिए निकल चुके थे। तो गाइस ये देखिए कोहरा कितना ज़्यादा भयानक है कि एकदम ब्लाइंड है, 10 मीटर के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना कोहरा है गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज ये अपने ब्लॉग का लास्ट मोमेंट चल रहा है, सुबह हो गई है, अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। अभी इस वक्त हम लोग हैं बरेली में, और आप लोकेशन चेक कर लिए, बरेली का हाईवे है ये, लखनऊ बरेली हाईवे है ये। और अब सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम आ गया, तो चलिए अपने स्टोव पे चाय वगैरह बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मॉर्निंग की कैंपिंग है, तो ये लास्ट मोमेंट है, इसको पूरा देख करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए अपनी ये गाड़ी खड़ी है, और ये हाईवे कोहरा देखिए, कोहरा बहुत ज़्यादा है। रात में तो इसका डबल ट्रिपल था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बहुत कोहरा, ये देखिए इतने कोहरे में मैंने ड्राइव करी है। ये लोकेशन है पूरी चेक करिए, ये एक धर्म काटा है, तो यहीं पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, अपना चाय वाय बना लेंगे उसके बाद चलेंगे। और आपको बच्चों को दिखाऊं तो ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हेलो, ये अपना मैंने नया ब्यूटेन सिलेंडर खोला था कल ही रात में, अभी काफ़ी है इसमें। और ये अपना स्टोव है, तो चलिए बनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस ये अपना सिलेंडर है, पानी लगभग गर्म हो चुका है, और ये बच्चा बैठा है, इसी के लिए पानी गर्म हो रहा है। और अगर नज़ारा देखे तो आप ये देखिए, बहुत खतरनाक कोहरा देखिए, कितना खतरनाक है। ये अपनी गाड़ी को जैसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिया, माइलेज बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी गाड़ी है बलिनो, मज़ा ही आ गया। तो गाइस लोकेशन देखिए कितनी अच्छी है चाय बनने की, ये है अपना, ये अपना स्टोव चालू हो गया है, और तो गाइस ब्यूटेन सिलेंडर की खासियत ये है कि धुआं चले, बहुत तेज़ हवा चले, लेकिन ये बुझने वाला नहीं है। और इस छोटे से स्टोव ने हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहारा दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और अभी भी आप देख सकते हैं कि धूप गर्मी हो रहा है, और लोकेशन बहुत अच्छी है ये, सामने देखिए खेत है पूरा, बनने का प्रोसेस चालू हो गया है। ये अपनी चाय पत्ती, शक्कर कहाँ है, ये शक्कर, चीनी, ज़्यादा मीठी तो तुम लोग पियोगे नहीं। तो गाइस ये अपनी चाय बनके रेडी हो रही है, ये शुगर, ये टी और ये चाय,
तो ये हाईवे पे एक धर्म काटा है, उसी में साइड पे हम लोग रुके हुए हैं। काफी अच्छे लोग हैं, हम लोग को जगह दिया। और ये देखे अपनी गाड़ी लगी हुई है, और ये अंकल जी हैं, इन्होंने हम लोगों का बहुत सपोर्ट करा। तो गाइस ऐसे मौसम में ऐसी चाय आप सभी के लिए भी। ये अपने स्टोव की चाय है।